नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ISBT का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, मेदांता हॉस्पिटल और कृषि भवन का उद्घाटन बीते दिन कर दिया है। ISBT के उद्घाटन के साथ ही उन्होंने फेज 1 के बसों के परिचालन को भी हरी झंडी दिखा दी है। राज्य के विभिन्न कोनों से हर दिन हजारों की संख्या में लोगों का पटना आना जाना लगा रहता है। वहीं दूसरे शहरों से आवागमन की समुचित व्यवस्था और यात्री बसों में व्यवस्थित संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौजा पहाड़ी में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी लागत 339 करोड़ 22 लाख बताई गई है। DLED की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा 22 अक्टूबर को। बिहार बोर्ड के BED संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। परीक्षा 22 अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में केंद्र बनाए गए हैं। पटना में इस परीक्षा के लिए 23 केंद्र का निर्माण करवाया गया है। इस परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से करवाया जाएगा, जो कि 12:30 बजे तक जारी रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसमें कुल 150 प्रश्न वास्तुनिष्ठ होंगे, जिनका जवाब विद्यार्थियों द्वारा OMR शीट पर देना होगा। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले बिहार बोर्ड ने BED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया था। यह परीक्षा 10 अगस्त को होने वाली थी। बिहार सरकार ने अवर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का किया तबादला। बिहार सरकार ने बीते दिन अवर शिक्षा सेवा के 296 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। अवर शिक्षा सेवा के यह सभी अधिकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापित है। हालांकि अभी यह सभी 296 पदाधिकारी की सेवा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को वापस कर दी गई है। सेवा वापसी के बाद उक्त सभी 296 पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशासनिक आवश्यकता के आलोक में पदस्थापना किया गया है। इन पदाधिकारियों को अंतरिम व्यवस्था के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापित किया गया है। माउंटेन मैन को याद करके लोगों ने खुद बना दिया 100 फुट लंबा पुल। सरकार ने पुल नहीं बनाया तो जनता ने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, ऐसा ही वाक्य गया जिले में देखने को मिला है, जहां पर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर वजीरगंज के अमेठी पंचायत के बुधौल गांव के ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर दिया है। 30 वर्ष से अधूरे पुल का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने श्रमदान किया और उसे पूरा कर दिया है। पुल के निर्माण से माउंटेन मैन की प्रेरणा थी, इसका नाम बाबा दशरथ मांझी सेतु रखा गया है। वहीं इस ग्रामीणों ने 10 लाख तक चंदा इकट्ठा कर अंगूरा नदी पर 100 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा पुल बना लिया है, जिससे कि दर्जनों गाँव के लोग लाभान्वित हुए हैं। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,65,000 के पार। बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,147 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही राज्य में प्रभावितों की संख्या 1,65,371 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 46, अरवल में 24, औरंगाबाद में 6, बांका में 29, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 46, भोजपुर में 21, अक्सर में 16, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 19, गोपालगंज में 23, जमुई में 12, जहानाबाद में 9, कैमूर में 8, कटिहार में 33, किशनगंज में 32, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 37, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 41, नवादा में 10, पटना में 199, पूर्णिया में 53, रोहतास में 36, सहरसा में 60, समस्तीपुर में 13, सारण में 42, शेखपुरा में 13, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 15, सिवान में 10, सुपौल में 49, वैशाली में 17, पश्चिम चंपारण में 46। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर बिहार में 1,51,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 859 लोगों की जान जा चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव कराने को लेकर अधिकारियों को दी गई विशेष ट्रेनिंग। आगामी विधानसभा चुनाव अधिकारियों की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 72 अधिकारियों को चुनाव ट्रेनिंग दी गई है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद प्रियदर्शी ने संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों को चुनाव की बारीकियों के बारे में विशेष रूप से समझाया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इस बार 81 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाया जाएगा। यह निर्णय COVID-19 संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। साथ ही COVID-19 संक्रमित मरीजों के लिए भी पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार को विकास की नई सौगात दी है, जिसके तहत कोसी क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी गई है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सुपौल के सरायगढ़ में आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन को भी रवाना किया है। इससे कोसी क्षेत्र से मिथिलांचल का सीधा रेल मार्ग से जुड़ाव हो गया है। इस रेल पुल के शुरू होते ही निर्मली से सरायगढ़ की 298 किलोमीटर की दूरी घटकर महज 22 किलोमीटर रह गई है।
बिहार पुलिस अब पोस्टिंग में सभी वर्गों का रखेगी खास ख्याल। बिहार पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच बिहार पुलिस ने पोस्टिंग के सभी वर्गों का ध्यान रखने की बात कही है। बिहार पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नए आदेश के बाद कई तरह की चर्चा तेज हो गई थी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अब अधिकारियों की पोस्टिंग में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आईजी हेडक्वार्टर की तरफ से सभी एसपी एसएसपी डीआईजी आरआईजी को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है कि पोस्टिंग में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 22 फरवरी 1980 को हुआ था। प्रभाकर शरण भारतीय लैटिन अमेरिकन अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ लैटिन अमेरिका फिल्म में भी काम किया है। हालांकि उन्होंने बहुत पहले ही बिहार को छोड़कर विदेश जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, जिसके तहत वो कोस्टा रिका जो कि सेंट्रल अमेरिका में है वहां पर पढ़ाई के लिए गए थे। आपको बता दें प्रभाकर पहले भारतीय हैं जिन्होंने लीड के तौर पर स्पेनिश फीचर फिल्म में काम किया था। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे अवार्ड भी जीते हैं बेस्ट अभिनेता के लिए। इसके साथ ही बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए भी उन्होंने कई अवार्ड को बटोरा है। वहीं इससे पहले भारतीय थे जिन्हें लैटिन अमेरिका फिल्म में काम करने का मौका मिला था। अत्याधुनिक कृषि भवन का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए भवन में कृषि से जुड़े तमाम दफ्तर एक साथ काम करने वाले हैं। मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन करीब 24 एकड़ में बनाया गया है, जहां कृषि से संबंधित तमाम विभागीय दफ्तर एक साथ काम करेंगे। आपको बता दें इस भवन का काम 14 फरवरी 2014 को शुरू हो गया था। पूरे कैंपस का विस्तार 23.8 एकड़ में है। वहीं इस पूरे कैंपस को बनाने में 125.23 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस भवन को कंपन रोधी बनाया गया ताकि किसी भी परिस्थिति में इस भवन पर कोई असर ना पड़े। इतना ही नहीं, इस भवन में वर्षा जल संचयन की सुविधा भी है। मलमास महीने की बीते दिन से हुई शुरुआत। कोविड 19 के माहौल के बीच बीते दिन से मलमास महीने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह जारी रहने वाला है। इस महीने के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के कुंड परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण किया गया। हालांकि इस बार कोविड 19 को देखते हुए मलमास मेले को स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ पूजा की अनुमति दी गई थी। वहीं मलमास पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कोविड 19 के कारण ध्वजारोहण के समय में कटौती की गई थी और कम समय में पूजा अर्चना और कुंड परिसर को खाली कराने का आदेश दिया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने तय की खर्च करने की सीमा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने बीते दिन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर 10,000 नकद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं करने की सीमा तय कर दी है। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट भी इसके लिए तैनात की जाएगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं बिहार में कोविड 19 के माहौल में हो रहे चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्हें अंत में मतदान का मौका मिलेगा जो कोविड 19 से संक्रमित होंगे या संक्रमण के जद में पहले आए होंगे। सलमान और करण जौहर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट में पेश होने का जारी किया गया आदेश। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 फिल्मी हस्तियों को मुजफ्फरपुर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजन को खुद या अपने वकील के माध्यम से उनके कोर्ट में हाजिर होना होगा। इस बाबत इन सबको कोर्ट नोटिस भेज चुकी है। इन सभी फिल्मी हस्तियों के खिलाफ अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज करवाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में ये लोग जिम्मेदार बताए गए थे। परिवहन विभाग ओवरलोडिंग गाड़ियों के परिचालन पर लगाएगा लगाम। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में ओवरलोडिंग की गाड़ियों के परिचालन पर लगाम लगाने वाला है। परिवहन विभाग की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए राज्य के अलग अलग चेक पोस्ट और दूसरे जगह पर वेब्रिज का निर्माण किया जाएगा। चेक पोस्ट और वेब्रिज निर्माण के लिए परिवहन विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि वेब्रिज का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिन जिलों में सरकारी वेब्रिज नहीं है वहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी प्राइवेट वेब्रिज को संदिग्ध स्थानों की जांच के लिए उपयोग कर सकेंगे। हाजीपुर वैशाली रेल लाइन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुगौली से जोड़ने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन से हाजीपुर से वैशाली नई रेल लाइन की शुरुआत कर दी है, जिसे सुगौली तक जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सुगौली भी ऐतिहासिक जगह है जहां भारत और नेपाल के बीच वार्ता हुई थी। 10 फरवरी 2004 को वैशाली में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को रेल महासेतु और अन्य रेलवे की परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने नए रेल मार्ग पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने की कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार जनता को खुश करने में लगी हुई है। इसी क्रम में बीते दिन कैबिनेट बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें 60 से ज्यादा एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। वहीं स्कूल बसों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आयोजित बैठक में बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा छात्रों को नहीं बिठाया जा सकेगा। साथ ही स्कूल बस और अन्य वाहनों में सीट की संख्या लेकर बोर्ड भी लगाना होगा। इसके साथ ही सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका, मिनी आंगनवाड़ी सेविका, तालीमी मरकज, रसोईया, किसान सलाहकार को शामिल किया गया है। वहीं गैर सरकारी प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक टीचरों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। बिहार से नेपाल जाने वाली ट्रेन का हुआ ट्रायल। भारत और नेपाल के बीच भले ही रिश्तों में फिलहाल तनाव जारी है, मगर इसी बीच भारत और नेपाल के बीच ट्रेन चलाने का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के वर्दीवास पर चलाई गई है। नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी जारी कर दी गई है, जिससे कि अब आसानी से लोग नेपाल आ जा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार जयनगर और वर्दीवास के बीच ट्रेन का ट्रायल किया गया था। नए रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन में 5 बोगी थी, जिसमें कई अधिकारी ने भी सफर किया। सुशील कुमार मोदी ने 1500 करोड़ डीजल खर्च की बचत होने की कही बात। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री द्वारा रेल के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 3318 किलोमीटर रेल मार्ग के 90% का विद्युतीकरण हो चुका है, जिससे डीजल तेल पर 1500 करोड़ प्रतिवर्ष की बचत संभावित है, जिससे रेल की गति बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। सुशील कुमार मोदी ने दरभंगा में स्वीकृत करने, साथ ही आर ब्लॉक दीघा की जमीन को रेलवे द्वारा बिहार सरकार को देने के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त किया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के प्रथम गणराज्य वैशाली और स्वर्गीय रघुवंश बाबू की कर्मभूमि को रेलवे के मानचित्र पर जोड़ने और इस्लामपुर मटेश्वर नई रेल लाइन के खुलने के बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े कई प्राचीन स्थल रेल से जुड़ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में योजनाओं में लूट होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगी हुई है। इसी को लेकर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार किसी ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव का समय तो योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को उलझाने की कोशिश की जा रही है। बिहार की जनता अब सब कुछ समझती है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता इनके 15 साल के कारनामों को बखूबी देख चुकी है। चिराग और मांझी पर बरसे भाजपा के संजय पासवान। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। वहीं हम पार्टी के आने के बाद चिराग पासवान भी असहज महसूस करने लगे हैं। वहीं इन सब के बीच भाजपा MLC संजय पासवान ने भी दोनों ही पार्टियों को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि NDA में शामिल छोटी छोटी पार्टियों को आज और अभी से ही अपने क्रियाकलाप तुरंत बंद करने चाहिए। परंतु कुछ दिनों से मांझी के बयानों से NDA की चिंता बढ़ी है। उन बयानों को पार्टी के बड़े नेता बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। भाजपा और जदयू का रिश्ता बहुत पुराना है, जो आने वाले समय तक चलने वाला है। ऐसे में छोटी पार्टियों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जिससे संबंध खराब हो। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बीच राबड़ी आवास पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। आगामी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर कवायद भी तेज हो गई है। इसी क्रम में महागठबंधन दल में भी सीट शेयरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते दिन राबड़ी आवास पर रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार वहां पहुंचने पर अंदर जाने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले मिलने दीजिए, उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की गई है। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत चल रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर राजद ने कसा तंज। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार राजद की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। राजद ने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता सुख बहुत भोग लिया, अब जनता का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहिए। राजद ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि मुंह छुपाते घूमने वाले मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अपने सुरक्षाकर्मियों को प्रेम सिखाइए और लोकतंत्र और कानून की पटरी खुद भी थोड़ा सीख ले। हताश और निराश जनता अब तो हर जगह रास्ता रोक कर विरोध करेगी। बिना जिम्मेदारी के सत्ता खूब हो गई, अब जन आक्रोश भोगने का समय आ गया है।
कोसी रेल महासेतु के उद्घाटन से खुश नजर आए संजय मिश्रा। बिहार से निकले अभिनेता संजय मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुक्रवार को कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करने के बाद कोसी और मिथिला क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। मिथिला के रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। कहा कि आज मेरे दादा का सपना साकार हुआ है, जिसका वीडियो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें संजय मिश्रा ने कहा कि करीब 9 दशकों तक मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोग मिनटों की दूरी घंटों और घंटों की दूरी दिनों में पूरी करते थे। आज लेकिन हालात बदले हैं। आज दादा का सपना पूरा होते हुए देखकर उनका पोता खुश है। इस बार आईपीएल में एंकरिंग करती नहीं नजर आएंगी मयंती लैंगर। आज से आईपीएल का आयोजन शुरू होने वाला है। हालांकि आईपीएल के आयोजन में इस बार मयंती लैंगर का नाम शामिल नहीं है। आज से शुरू होने वाले आईपीएल को लेकर एंकर और कमेंट्री पैनल की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मयंती इस पैनल का हिस्सा नहीं है, जिसको लेकर मयंती ने इस बार के आईपीएल में एंकर पैनल का हिस्सा नहीं होने के पीछे की वजह बताई और ट्विटर पर एक भावुक संदेश भी पोस्ट किया। उन्होंने अपने पति स्टुअर्ट बिन्नी और बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं इस बार आईपीएल को देखने का आनंद लूंगी, ऑल द बेस्ट। आपको बता दें, इस बार एंकर पैनल में मयंती शामिल नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बेटे को जन्म दिया है। स्क्रीन टाइम कम करने पर बैटरी चलेगी ज्यादा। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए बैटरी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इन दिनों कंपनी अपने स्मार्टफोन का पावरफुल बैटरी के साथ लॉन्च करना ज्यादा पसंद कर रही है, या फिर फास्ट चार्जिंग फीचर जरूर दे रही है, मगर फोन इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियों को बरतने से और कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने से स्मार्टफोन सेटिंग में कुछ बदलाव करें तो बैटरी को लंबे समय तक चार्ज रखा जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को अपने फोन के स्क्रीन टाइमआउट को कम करना चाहिए। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के बाद काफी देर तक स्क्रीन की लाइट ऑन रहती है, उससे बैटरी खर्च होती है। ऐसे में अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम आउट को कम से कम रखें, इससे स्क्रीन की लाइट ज्यादा देर तक नहीं ऑन रहेगी, इससे फोन की बैटरी सेव करने में भी मदद मिलती रहेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है राजा भैया, नितेश कुमार, नूतन सिंह, समथिंग स्पेशल, लालू कुमार, पप्पू पासवान, लक्ष्मीपति, वीरेंद्र सिंह, रीवा कुमारी, गुंजन पटेल, प्रहलाद सिंह, निराला मोहन, रामदास सिंह, लाल सिंह राजपूत, कृष्णनंदन वर्मा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले आईपीएल मैच में कौन सी टीम सबसे मजबूत दिख रही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।